is my Dr. Vikas Singh, consultant urology and kidney transplant surgery in Choitram Hospital, Indore. आज मैं आपसे हिंदी भाषा में किडनी के कैंसर से रिलेटेड कुछ भ्रांतियों और मिसकंसेप्शंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि जो हमारे सोसाइटी में इसको लेके कुछ गलत धारणाएं बनी हैं उनसे निजात मिल सके। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस जो कॉमनली मैं इनकाउंटर करता हूँ उनके बारे में डिस्कस करूँ और आपको भी कुछ समझने लायक जवाब देने की कोशिश करूँ। तो इनमें से जो पहला सबसे कॉमन सवाल जो मैं इनकाउंटर करता हूँ वो है कि किन लोगों के अंदर किडनी कैंसर की समस्याएँ ज़्यादा होती हैं। तो इसका जवाब ये है कि बच्चे के जन्म लेने से लेके कुछ सालों तक, शुरुआती सालों में थोड़े ज़्यादा, और उसके बाद 35 से 40 की उम्र के बाद किडनी कैंसर के होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। हालांकि ये बाकी किसी भी कैंसर की तरह इसके बारे में प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। अगला सवाल ये है कि इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं जिनके द्वारा हम किडनी कैंसर को आसानी से पकड़ सकें। तो किडनी कैंसर के शुरुआती लक्षणों की बात अगर हम करें तो एक लक्षण है यूरिन या पेशाब के रास्ते से खून का आना, दूसरा लक्षण है दर्द का होना उस तरफ जिस तरफ की किडनी कैंसर डेवलप हो रहा है, उस तरफ पेट में साइड में दर्द का होना, तीसरा लक्षण है कई बार बुखार भी आता है मरीजों को, ये भी एक कॉमन लक्षण है। लेकिन इन तीनों लक्षणों के अलावा जो सबसे जो कॉमन तरीका है जिससे हम किडनी कैंसर को लोगों के अंदर पकड़ पाते हैं वो है जब वो मरीज किसी दूसरी जांच के लिए, किसी दूसरे इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी दूसरे हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर से सलाह लेता है और इन्वेस्टिगेशन कराता है, तो ये इनएडवर्टेंटली ये किडनी कैंसर पकड़ में आ जाता है। उसके बाद हमें इसके इलाज के लिए नए सिरे से काम करना पड़ता है। तो अगर ऐसा होता है कि हमें ये किडनी कैंसर किसी दूसरे इलाज में पकड़ में आ गया तो हमें क्या डॉक्टर से मिलना चाहिए या कब मिलना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि आपको जल्द से जल्द अपने शहर में जो नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट हैं, एमसीएच यूरोलॉजी जो डिग्री क्वालिफाइड है, उनसे मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, वो आपको इस बारे में विस्तार से बता पाएंगे। ये तरह तरह की स्टेजेस में होता है, आपके अंदर ये कौन सी स्टेज में है, कहीं बहुत शुरुआती स्टेज में है या बहुत एडवांस स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट वो बता पाएंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसका पूर्णतः इलाज संभव है, क्या पूरा इलाज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल किडनी कैंसर का इलाज संभव है। इलाज में ज़्यादातर मरीजों के अंदर ये केवल सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट रिड ऑफ दिस कैंसर। तो ज़्यादातर मरीजों के लिए सर्जरी ही एक संपूर्ण इलाज का काम करता है। कुछ मरीजों में हमें कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं जो कुछ महीनों से कुछ सालों तक खानी पड़ती हैं। तो अगला सवाल ये बनता है कि किस तरह के ऑपरेशन होते हैं इस कैंसर के लिए। तो किडनी कैंसर के लिए बहुत से ऑपरेशंस हैं जो हमें डिसाइड करना पड़ता है किस मरीज को किस तरह का ऑपरेशन सूटेबल होगा। अगर कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आ गया है तो केवल कैंसर को हटाने के लिए पार्शियल नेफ्रेक्टमी नाम की सर्जरी होती है, जिसमें से हम केवल इन्वॉल्व पार्ट ऑफ द किडनी को रिमूव कर देते हैं, बाकी किडनी का पार्ट बच जाता है। दूसरा है ऑपरेशन जिसको रेडिकल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। इसमें अगर कैंसर ने पूरी तरह किडनी को इन्वॉल्व कर लिया या काफ़ी बड़ा हो गया है तो उस पूरी किडनी को निकालना पड़ता है, जो कि पूरी तरीके से सेफ है क्योंकि हर इंसान के पास दो किडनी होती हैं कुदरत की रहम से, और अगर एक किडनी को निकाल दिया जाए तो दूसरी किडनी पहली किडनी का भी फंक्शन ओवरटेक करके काम करना शुरू कर देती है। तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। ज़रूरत के हिसाब से हमें पार्शियल या कंप्लीट रेडिकल नेफ्रेक्टमी करने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो हमें करना चाहिए, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तीसरा एक जो मैं आपको बताना चाहता था कि इस कैंसर के ऑपरेशन दूरबीन या रोबोटिक पद्धति से भी किए जा सकते हैं। दूरबीन पद्धति से करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत अच्छा विजन मिलता है ऑपरेशन के दौरान, तो ऑपरेशन बहुत सुरक्षित हो जाता है। इसके अंदर ब्लड लॉस बहुत कम होता है,
पेट के अंदर टांके और चीरा लगने की जो प्रॉब्लम होती है ओपन सर्जरी के दौरान, जो नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी होती है उसके कंपैरिजन में रूटीन सर्जरी में बहुत छोटा सा, छोटे से रूटीन होल बनाते हुए सर्जरी कर दी जाती है। तो दूरबीन सर्जरी बिल्कुल सेफ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट दूसरे दिन ही छुट्टी लेके घर जा सकते हैं इतनी बड़ी सर्जरी होने के बावजूद। ये बहुत एक एडवांटेज है जो एडवांसमेंट ऑफ सर्जरी ने हमें दिया हुआ है। एक सवाल ये है कि इस कैंसर का इलाज कितना लंबा चलता है? तो ज़्यादातर मरीजों में इसका इलाज सर्जरी के साथ ही ख़त्म हो जाता है, बस कुछ जाँचों के लिए उन्हें छः महीने या साल भर के अंतराल में 2-3 साल के लिए अपने ऑपरेटिंग सर्जन के पास में आके दिखाना पड़ता है, कुछ जांचें करानी पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। कुछ ही मरीजों में, लगभग 10-15% मरीजों में जिनमें एडवांस कैंसर की स्टेज में इसकी पकड़ होती है या फिर जो ऐसी स्टेज में आते हैं जहाँ पे हमें सर्जरी के साथ कुछ और दवाइयाँ देने की जरूरत पड़ती है, तो उनको 1 या 2 साल के लिए दवाइयाँ खाने की जरूरत पड़ सकती है ताकि इस कैंसर को पूर्णतः नष्ट किया जा सके या उसको सप्रेस कर दिया जा सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि तरह तरह के सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि इस कैंसर को पूरी तरीके से हमारे शरीर से निकालने में समर्थ है। एक सवाल ये है, कई जो किडनी कैंसर के पेशेंट आते हैं पूछते हैं कि सर क्या मैं कैंसर से मुक्त हो गया हूँ, आपने ऑपरेशन कर दिया, क्या मैं मुक्त हो गया हूँ या मुक्त हो सकता हूँ? कई बार ऑपरेशन से पहले पूछते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ बिल्कुल। ज़्यादातर पेशेंट, लगभग 95% ऑफ द पेशेंट्स जो कि सर्जरी कराते हैं या इसके इलाज के लिए हमारे पास आते हैं वो कैंसर मुक्त हो जाते हैं। कुछ 1% केसेस में ही हमें थोड़ा लंबी दवाइयां चला के इस कैंसर को सप्रेस करने की जो मेथड है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़्यादातर मरीज कैंसर से मुक्त हो जाते हैं कुछ जाँचों के अलावा, और उन्हें ज़िंदगी में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत ही एक अवॉइडेबल डिज़ास्टर है जो कि किसी फैमिली में दबे पाँव आती है और हैवॉक क्रिएट कर सकती है। वो एक सवाल मैं अपनी तरफ से रखना चाहूँगा, वो ये है कि अगर हमें किसी भी वजह से किडनीज को निकालना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर एक किडनी को निकाल दिया जाए कैंसर होने की वजह से तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इसको लेके मैं कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ सावधानियाँ हैं जो बरतनी पड़ती हैं, उसमें से एक है कि नमक या शुगर का सेवन कम करना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी एक किडनी निकाल दी गई है तो नमक और शुगर का सेवन कम से कम करना चाहिए, जितना ज़रूरी उतना करें, अनावश्यक नहीं करें। अनावश्यक मात्रा में मांस का सेवन ना करें, रेगुलर अगर महीने में 2-3 बार करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं। जिस तरफ किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, किडनी निकल चुकी है, उसके अपोजिट साइड की किडनी को हमें सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस किडनी को बिल्कुल किसी भी चोट जैसे कि एक्सीडेंट में साइकिल या मोटरसाइकिल के हैंडल से जो इंजरी होती है उससे बचने की बिल्कुल कोशिश करें। कोई भी संभावना ना रखें कि दूसरी की बची हुई किडनी पर कोई चोट लग जाए। एक और प्रिकॉशन है कि ब्लड प्रेशर और शुगर का चेकअप नियमित रूप से अपने जनरल फिजिशियन के पास जा करके उसका चेकअप करवाते रहें। तो ये कुछ सावधानियां हैं उन मरीजों के लिए जिनका किडनी निकालने का ऑपरेशन करना पड़ा है बिकॉज ऑफ किडनी कैंसर, अदरवाइज वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, उन्हें और कोई भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिसके जो कि एबनॉर्मल कहलाएगी और बाकी लोगों से अलग है। बस ये थोड़े से प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए फायदेमंद होंगी, कुछ चीज़ें आपको जीवन में काम आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों में इसके बारे में और जानकारी फैलाने के लिए हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।